कल हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका इस्तेमाल पढ़ा था कि उसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आज हम इसकी कुछ वर्कशीट्स हैं वो करने लगे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ग्रामर वर्कशीट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें हमने कल पढ़ा था कि आई यू ही शी इट वी एंड डे के साथ क्या क्या लगता है। आई के साथ वॉज लगता है और वॉज नॉट लगता है, ठीक है। जब वो नेगेटिव में हो जाता है तो वॉज नॉट हो जाता है, और ये हमने कल सब पढ़ लिया था, ये चार्ट भी हमने कल पढ़ा था। उसके बाद जो है, जब अफर्मेटिव होता है सेंटेंस तो फिर हम क्या कहते हैं, आई वॉज प्लेइंग। जब नेगेटिव हो जाता है तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, और जब इंटेरोगेटिव होता है, सवालिया फिकरा होता है, तो फिर हम बोलते हैं कि वॉज आई प्लेइंग। और अगर हम नेगेटिव में बात करते हैं तो, और उसका या आंसर में बात करते हैं, तो फिर हम कहते हैं यस आई वॉज और नो आई वॉज नॉट। तो ये तो कल हमने कर लिया था। अब आप जो है वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे, और ये वर्कशीट आप खुद फिल करेंगे, ठीक है। वॉज और वर अब आपने खुद बताना है, और इनफेक्ट थोड़ा सा हिंट मैं देती चलूँ कि नॉर्मली जो है, जो सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वॉज आता है, और प्लूरल अगर हमारा जो है सब्जेक्ट हो तो वो उसमें वर आता है, ठीक है। तो अब आपने बताना है, और नॉर्मली आई एंड यू जो कि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें हमारा वर ही आता है, आई के साथ, और यू के साथ हमेशा वर ही लगता है, सॉरी आई के साथ वॉज लगता है और यू के साथ वर लगता है, ठीक है। तो दैट इज द वे। अब यहाँ पे अब आपने खुद जो है फिल करना है, जैसे लाइक फर्स्ट वन है, वर दे वॉचिंग टीवी एट मिडनाइट? नो दे वर नॉट। हाँ जी, वी डैश ईटिंग लंच इन द कैफेटेरिया, क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा? माइक माइक ऑन कीजिए। वी वर सॉरी, डैश यू टेकिंग ऑन अ फोन अ फ्यू मिनट्स अगो, वार वो आई नहीं, नो आई वॉज के साथ जाएगा, नो आई वॉज नॉट, नो आई वॉज नॉट, ठीक है। यस आई वॉज होता है और नो आई वॉज नॉट होता है। आई डैश वॉकिंग होम, वार वॉकिंग होम व्हेन आई सॉ द कार एक्सीडेंट, कल आपको ये करवाया था ना, व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट। ये पास्ट सिंपल टेंस है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई वाज वॉकिंग जब मैंने एक कार एक्सीडेंट देखा। माय क्लासमेट एंड आई, वाज नहीं माय क्लास वार दो गए, अच्छा। While he dash cleaning the house, we dash cooking. was and war Was and one, शाबाश। What dash you doing at 1 o'clock? was What? हाँ जी साजिदा, what? जी जी what आएगा तो what आएगा? What were you doing? What were you doing? Doing at 1 o'clock, but I B है आंसर इसका, I dash sleeping। I was sleeping। I was sleeping। A car engine dash working। The car in oh here। पिक्चर में चली गई जी। द कार इंजन नॉट कार इंजन वाज वर्किंग, वाज वर्किंग सिंगुलर के साथ हमेशा वाज आता है एक्सेप्ट यू के साथ। डैश यू लिसनिंग टू द टीचर, वर यू लिसनिंग, यस आई आई के साथ वॉज आता वर आता वॉज वॉज
At 7 o'clock, Mr. Smith dash robbing the bank. Was robbing. Stephen dash doing his homework. He was playing with his friend. Was. Stephen was doing his homework. Was doing his homework. He was playing with his friend. It dash raining last night. Was. So I took my umbrella. अब यहाँ पे क्या है? कौन सा tense है ये? दोनों tenses बताइएगा. It was raining कौन सा tense और ये कौन सा tense? Fast past continuous है. हाँ और ये? ये? I took. Simple past. Simple past. इसको जरा translate तो करें. It was raining last night, so I took my umbrella. कल रात बारिश हो रही थी. आगे. So I took my umbrella. तो मैंने अपनी छतरी. हाँ. क्या की? उठा ली या ले ली? उठा ली. ठीक है. Annie dash studying in London last year. Was. Was क्यों लगा? सिंगुलर है ना इसलिए. अच्छा और क्या रीजन है? चले ये सिंगुलर के साथ वॉज आ गया, और भी कोई रीजन है? अगर यहाँ पे स्टडीड होता तो वॉज लग जाता. अगर यहाँ स्टडीड होता या स्टडी होता तो वॉज लग जाता. आईएनजी ना होता तो नहीं नहीं लगना था. जब डिफरेंट टेंसेस के फिल्म पे ब्लैंक्स आती है ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि आईएनजी के साथ वाज एंड वर्ड लगेगा. और अगर लास्ट ईयर है तो वाज लगेगा, और अगर प्रेजेंट टाइम है तो इज लगेगा. ठीक है, प्रेजेंट टाइम है तो इज और वर्ड लगता है, वाज टाइम है वाज और वर्ड लगता है. तो आईएनजी के हिसाब से हम फिर देखते हैं कि इसमें हेल्पफुल वर्ब कौन सा है. आई डैश वर्किंग एज अ टीचर व्हेन आई first met your mother. Was. As a teacher one, I first met your mother. इसको जरा translate करूँ. कौन कौन से tenses हैं? I was working as a teacher. कौन से tenses? First continuous. हाँ. और what I first, when I first met? Simple past. Simple past. इसको जरा translate करें. साजिदा आप करें जरा. I was working as a teacher when I first met your mother. उस वक्त मैं as a teacher काम कर रही थी जब मैं आपसे पहली दफा मिली थी. मैं आपकी मदर से पहली दफा मिली थी. सही हो. अब समझ आई कि क्यों ing लगा हुआ है और क्यों जो है यहाँ पे past simple है. कि उस वक्त मैं as a teacher काम कर रही थी जब मैं आपकी मदर से मिली. We dash swimming while you dash playing volleyball. We were. Were. While you dash playing volleyball. You were. इसको जरा translate करें. We were swimming while you were playing volleyball. हम उस वक्त तैराकी कर रहे थे जब तुम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे. नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं.